बातचीत करते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता अमजद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्या कुछ चल रहा है वहां पर बताइए, क्योंकि देर रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, अब किस तरह से वहां पे क्या मूवमेंट हो रही है अमजद जी बताइएगा। देखिए मैं बता दूं, सुशांत सिंह की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर साफ तौर पे ये आया गया है कि उन्होंने खुद खुदकुशी की है, उनकी सांस रुकने की वजह से मौत हुई। तो ये पोस्टमार्टम की पहली जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की बात करूं तो एक और रिपोर्ट उन्होंने कराई है, जिसको लेके वो जेजे हॉस्पिटल में फॉरेंसिक के लिए भी उन्होंने भेजा हुआ है। क्या सुशांत सिंह ने मौत से पहले क्या कुछ पॉइजन वगैरह लिया था या कुछ ड्रग्स वगैरह किया था, क्या कुछ लिया था क्या, उसकी फॉरेंसिक की जांच के लिए अभी जेजे हॉस्पिटल में उसके सैंपल्स को भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अब मैं मुंबई पुलिस की बात करूं तो मुंबई पुलिस की और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार मौके पे मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, सुशांत सिंह की घर की हर एक चीज को खंगाला जा रहा है। सुशांत सिंह का अभी तक का कोई भी सुसाइड नोट सामने नहीं आया। और सुशांत सिंह की बात करूं तो उनके जो करीबी दोस्त है वो लगातार उनके घर पे आ रहे हैं, और उनके और उनकी बहन की बात करूं, उनके चाचा जी की बात करूं तो वो लगातार सुशांत सिंह के घर पे मौजूद है। आप सुबह से उनके घर के बाहर मौजूद हैं, किस किस तरह से वहां पे चीजें चल रही हैं, क्या जो दूसरे सेलिब्रिटीज हैं वो वहां पर आ रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया पे बिल्कुल दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, लोग अपनी संवेदनाएं भी दे रहे हैं, कुछ लोग इस बात से चकित भी हैं कि आखिर सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उनके घर के बाहर किस तरह का माहौल है। देखिए मैं बता दूं, सेलिब्रिटी का तो कोई जमावड़ा यहाँ पर नहीं लगा, कल कोपर हॉस्पिटल में भी हमने देखे, क्योंकि कोरोना को लेके कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी है मुंबई के अंदर, उसकी वजह से लेके सेलिब्रिटी भी जो है वो ज्यादातर अपने घरों के अंदर बैठना पसंद कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रिटी अभी तक कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन सुशांत सिंह के जो करीबी थे, जैसे मैं बात करूं जिन्होंने नरेंद्र मोदी करके फिल्म बनाई थी, उनके जो डायरेक्टर है वो जरूर कल से उनके घर पे मौजूद है, क्योंकि वो सुशांत सिंह के काफी क्लोज फ्रेंड है, तो वो लगातार उनके घर पे मौजूद है और उनकी कुछ फ्रेंड्स भी है। और मैं सुशांत सिंह की बात करूं तो परसों रात में भी कुछ दोस्तों के साथ बैठ के उन्होंने जूस वगैरह भी पिया और कुछ दोस्तों के साथ बात भी की, उसके बाद वो जब निकले हैं उनके घर से और सुबह सुबह ये खबर मिली है तो वो भी बड़े शॉकिंग थे कि सुशांत सिंह ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। और मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो जो सुशांत सिंह का डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे, मुंबई पुलिस भी लगातार उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की तैयारी कर रही है। सुशांत सिंह भैया बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने से डिप्रेशन में थे, तो जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे तो उनको भी कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा मुंबई पुलिस के अंदर। और जो खास तौर पर उनके जो करीबी दोस्त है, और सुशांत सिंह ने इन महीने 2 महीने में जिन लोगों से बातचीत की है, क्या बातचीत हुई है, क्या बातें करते थे सुशांत सिंह, उन लोगों को भी बुला के मुंबई पुलिस तैयारी कर रही है उन लोगों से पूछताछ करने की। और मैं मुंबई पुलिस की भी बात परिवार के लोगों की बात करें तो उनकी एक बहन अमेरिका में रहती है जिसका अभी आ पाना संभव नहीं है, इनके एक बहनोई पुलिस में है और एक चचेरे भाई इनके विधायक भी हैं। तो परिवार के लोगों के स्टेटमेंट किस तरह के सामने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि परिवार की तौर से लगातार ये प्रेशर बन रहा है कि सुशांत सिंह की जो है इतना अच्छा हंसमुख जो लड़का था, उसकी नवंबर में शादी होनी थी, वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। तो चाहे परिवार की बात करें तो परिवार ने शुरू से दबाव बना के रखा हुआ है कि जिसकी हम न्यायिक जांच चाहते हैं। और मैं मुंबई पुलिस की बात करूं तो मुंबई पुलिस भी न्यायिक जांच कर ही रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस की बात करूं तो जो क्राइम ब्रांच की टीम और मुंबई पुलिस कोई भी सुसाइड होता है उसको इतनी इजीली लेती नहीं है, उसके अंदर क्या कारण है और क्या चीज है ये तो आने वाले वक्त में क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस खुलासा भी करेगी। और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी हालांकि ट्वीट करके उनको संविधान मतलब उनको भी श्रद्धांजलि दी है, और लगातार जो दुखों का पहाड़ है, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें और तमाम जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था उनके उनकी मौत के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आपके जो सेलिब्रिटी है, और लगातार सेलिब्रिटी की जो है कोरोना को लेके आप ये 3 महीने से देख सकते हैं, लगातार सेलिब्रिटी के भी जाने का दौर शुरू है। हमने देखा कि ऋषि कपूर की इस कुछ दिन पहले देहांत हुआ, इरफान खान का देहांत हुआ, 2019 में इन्होंने फ्लैट लिया था, काफी कुछ सपने थे, शादी भी उनकी होने वाली थी और करियर भी अच्छा चल रहा था इनका, तो क्या कहेंगे फ्लैट इनके लिए अनलकी रहा ये वाला। जी बिल्कुल, मैं ये बता दूं जो फ्लैट है उन्होंने 2019 दिसंबर महीने में इनका एग्रीमेंट किया था, 3 साल का एग्रीमेंट किया था इन्होंने, 3,600 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है, 3 कार की पार्किंग है, सुशांत सिंह के पास 3 कारें भी है, और उसका जो रेंट है उसका तकरीबन रेंट जो था पहले 11 महीने का जो एग्रीमेंट हुआ है 4,30,000 का था, उसके बाद वो रेंट का एग्रीमेंट के हिसाब से वो 4.5 लाख तक का जाता, लेकिन सुशांत सिंह 6 महीने पहले ही अपना घर प्रवेश किए थे,
हो सकता है ये घर उनके लिए अनलक्की हो, क्योंकि समुन्द्र के एकदम किनारे ये फ्लैट है मैं बात करूं तो। और सुशांत सिंह ने ये अभी अभी कार्डर रोड पे जो फ्लैट लिया है 6 महीना पहले लिया है, तो सुशांत सिंह की जो उन्होंने अपनी जिंदगी की जो लाइफ स्टाइल है उनको तैयारी करके रखी थी। और मैं बॉलीवुड की बात बता दूं तो बॉलीवुड में हमेशा से एक चमकती दुनिया नजर आती है, लेकिन उसके पीछे की जो दुनिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उसके जो चमकती दुनिया तो है लेकिन उसके पीछे की जो जिंदगी है वो काफी कठिनाई भरी होती है फिल्म इंडस्ट्री के। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है, अब खबर यह है कि मुंबई में ही इनका अंतिम संस्कार होगा, पटना डेड बॉडी को नहीं लिया जाएगा। तो क्या कुछ तैयारियां वहां पे हो गई है, कहां पर कितने बजे कैसे पूरा प्रोग्राम का क्या बनाया, शेड्यूल क्या है? देखिए उनके जो परिवार के लोग हैं लगभग अभी 15 से 20 मिनट में बॉम्बे एयरपोर्ट उन लोग लैंड कर दिए हैं, वो सीधे बांद्रा में उनके स्थित जो घर पे है वो यहाँ पर आएंगे। और मैं उसकी बात करूँ सुशांत सिंह की बॉडी की भी बात करूँ तो यहीं से उनका जो पार्थिव शरीर है उसको लेके कहाँ लेके जाया जाएगा ये भी घर वाले तय करेंगे। लेकिन सुशांत सिंह की जो दुखद मौत की घटना है, हो सकता है कोरोना को लेके उनके घर ने लेके गई है बॉडी, मुंबई के अंदर ही उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू है। ये कुछ घंटों के या शाम तक का इनकी जो अंतिम यात्रा है वो शायद उनके घर से या हॉस्पिटल से निकले और इनको अपनी श्रद्धांजलि दी जाए। और सेलिब्रिटी की भी बात करूँ तो अंतिम संस्कार के अंदर सिर्फ कुछ लोग, क्योंकि COVID-19 सबसे ज्यादा मुंबई के अंदर है, कहर उसका ज्यादा है, तो COVID-19 को देखते हुए मतलब जो गाइडलाइन है कि सिर्फ करीबी लोग रहेंगे, 10 से 15 लोग ही रहेंगे अंतिम संस्कार के अंदर, उससे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, उसी तरीके की तैयारी यहाँ पर भी करी जा रही है जी। चलिए सुशांत सिंह के घर के बाहर से आप हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, नजर बनाए रखिए क्या कुछ वहां पे चल रहा है। और न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि देश के तमाम जो नेता है वो भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बेहद आहत नजर आ रहे हैं। एक बड़ा झटका भारतीय सिनेमा को लगा है, हमारे बीच अब सुशांत सिंह राजपूत नहीं है और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद जी, आपका शुक्रिया।